अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरे प्याज के पकोड़े। तो कैसे बनते हैं स्वादिष्ट और टेस्टी पकोड़े, तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। देख सकते हो आप लोग, चार हरी हरी प्याज है और एक कटी हुई प्याज है गोल वाली। तो अभी हम शुरू करेंगे। तो देख सकते हो आप लोग, प्याज कट चुकी है और साथ में तीन मिर्ची कटी हुई डाल चुका हूँ। अब बारी है बेसन की। तो अब हम बेसन डाल चुके हैं। तो दोस्तों देख सकते हो, इसमें बड़े चम्मच 5 चम्मच बेसन डाले हैं और छोटे से छोटा चम्मच जो है इससे हम मसाले डाले हैं। तो बताता चलूँ आप लोगों को कि 1 चम्मच हल्दी डाले हैं और 1 चम्मच लाल मिर्ची डाले हैं और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाले हैं, धनिया पाउडर डाले हैं। तो ये सब मैं डाल चुका हूँ और 1 चम्मच स्वाद अनुसार नमक डाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो ये हमारे आटे बेसन के आटे गूंद कर रेडी हो गए। और याद रहे, पानी ज़्यादा नहीं डालें वरना ज़्यादा हो जाएगा। तो ये छोटा वाला कप है चाय वाला, उससे जो है आधा कप पानी डालेंगे। तो ये हमारे तेल गरम हो गए हैं। तो छोटे छोटे पीस डालें, कभी भी बड़ा ना डालें क्योंकि तो अंदर कच्चा रह जाएगा। इसको पकाना है, ठीक से पकने दें इसको आराम से। आप देख सकते हो जितना छोटा रहेगा उतना जल्दी होगा भी और अंदर तक। तो फाइनली हमारी पकौड़ियाँ बेसन वाली तैयार हो गई है, सग्गे प्याज वाली। और आप लोग भी चाहें तो घर पर आसानी से बना सकते हो बिना झंझट के। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो आज की, और यहीं पर वीडियो करते हैं एंड। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।